हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तलत मेनू किचन। आज तलत के किचन में बन रहा है खिचड़ा हलीम, जो कि काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी बनता है। ये मैंने गूरी ली हुई है, जो कि जौ होते हैं कुटे हुए गेहूं। ये मैंने गूरी ली हुई है 1 कप, और मैंने इस कप से इसको नापा हुआ है। और 1 कप मैंने ली हुई है, जिसे ओवरनाइट मैंने भिगो दिया। और मैंने चने की दाल ली हुई है इसी कप से 2, और 1 कप मैंने मूंग की दाल ली हुई है, 1/2 कप चावल लिए हुए हैं, 1 कप मसूर की दाल ली है, और 1 कप मैंने उड़द की दाल ली। आप चाहें तो काली दाल भी उड़द की ले सकते हैं। इसको मैंने रात में भिगो दिया था। मैं जब भी खिचड़ा बनाती हूँ तो रात में ही इसको भिगो देती हूँ। और एक कुकर में मैंने पानी रखा है, जो कि बहुत उबल लिया है, और इसी में मैंने ये डाल दिया है। और 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी तेल, ताकि जब मैं लीड लगाऊं तो ये उबल के बाहर ना आए। और मैं इसे जब तक गलाऊंगी जब तक ये गल ना जाए। ये देखिए, ये जो गूरी है जौ, ये गल चुके हैं, मैश हो चुके हैं गल के। और जो कुछ बाकी बचे हैं गलने के लिए, तो अभी मैं इसको और बनाऊंगी तो उसमें ये बिल्कुल गल जाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा ही गला होना चाहिए। और इसमें मैं डाल दूंगी ये चने की दाल। इसको भी मैंने भिगो कर रखा हुआ था जब तक ये गूरी गल रही थी, जब तक मैंने इसको भिगो दिया था। और इसी में मैंने ये चने की दाल डाल दी है, और डाल दूंगी मैं इसमें और पानी, ताकि ये जो दाल है ये जल्दी गल जाए। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, और फिर लगा दूंगी मैं इसमें लीड, और जब तक मैं इसमें सीटी लगाऊंगी जब तक ये गले नहीं। और ये देखिए, ये दाल जो है ये भी गल गई है। बाकी जो दालें थी वो भी मैंने भिगो दी थी, ये भी काफ़ी गल गई है। और इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने एक बड़े भगोने में निकाल दिया है, और पानी मैंने रखा है। और इसमें ये जो मेरी सारी दालें और चावल थी, इसको मैंने भी भिगो दिया था, इसको धोकर इसमें डाल दिया है। मैंने छिलकों वाली दाल ली थी, आप चाहें तो धुली हुई भी ले सकते हैं। और मैं इसको हल्की आँच पे गैस पे रख कर मैश कर लूँगी, क्योंकि इसको मैश करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कुकर में बना रही हूँ, तो हलीम कुकर में जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें कुकर में ही गला ली हैं। और ये भी देखिए, सारे दाल चावल जो डाले थे मिक्स वाले, ये सब हो गए हैं। और ये भी मैं इसी बड़े बर्तन में लौट दूँगी, और मैं बड़े बर्तन में ही इसे चम्मच से मैश कर लूँगी। जितनी भी खड़ी खड़ी दालें हैं ये इस चम्मच से मैश हो जाएंगी। और एक कुकर में मैंने मीट लिया हुआ है, और इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज कतर के डाले हुए हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है, 2-4 लीव्स मैंने तेज पत्ते की डाली हुई हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला हुआ है, क्योंकि खिचड़ा जो है वो थोड़ा पीला ही अच्छा लगता है। और मैंने इसमें डाला है मिर्च पाउडर, और 3 चम्मच मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल दूंगी, धनिया पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिए हैं, और मैं सब इन सबको मिक्स कर लूँगी। जायके के बतौर मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, और 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और मैं इतना पानी इसमें डाल दूंगी जिसमें ये गल जाए।
और मैंने लीड लगा ली है। जब तक ये बनेगा जब तक मैं इसको मैश कर लूँगी। मैंने हल्की आंच पर रखा हुआ है ताकि ये जले नहीं। और ये देखिए ये भी अच्छा भुन गया है, तेल सब ऊपर आ गया है। मैंने कोई भी अलग से मसाले इसमें नहीं डाले हैं, सिर्फ धनिया मिर्चे लहसुन यही सब चीज़ों से इसको भुना हुआ है। और ये हो गया है, अब मैं इसको खिचड़े में मिला दूँगी। और इसमें नमक कम था क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बनाओ तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और जितना भी मैंने गोश्त था वो सब इसमें डाल दिया है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये मैश भी बहुत हो गया। और एक चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और बहुत ही हल्की आंच पे मैं इसको रख दूँगी सौंधा होने के लिए। और एक पैन में मैंने तेल लिया है, प्याज डाला और ज़ीरा, और मैं ऊपर से इसको बघार दूँगी। और डाला है मैंने इसमें हरा धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू भी निकल रही है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके। और एक बार ये खिचड़ा ज़रूर बनाइए, काफ़ी डिलीशियस और यम्मी होता है।